हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह और आज का ये वीडियो शायद बहुत छोटा होएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर सकता है एलोवेरा के रिगार्डिंग। हम लोग बात करेंगे कि एलोवेरा कैसे आपकी बॉडी के अंदर काम करता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना और भी लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो सके। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कह दूँ कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक जो है मैं आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो एलोवेरा जो है ना वो 3 स्टेजेस के ऊपर काम करता है। रिसर्च ये कहती है कि ये 3 स्टेजेस के ऊपर काम करता है, जिसमें एक स्टेज है क्लिनजिंग स्टेज, दूसरी स्टेज है नॉरिशमेंट स्टेज और तीसरी है थेराप्योटिक स्टेज, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस के ऊपर काम करता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनजिंग स्टेज की। क्लिनजिंग स्टेज का मतलब है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, ये एज अ क्लिनजर काम करता है। यानी स्किन के ऊपर अगर लगाएंगे ना तो ये क्लिनजिंग का काम करता है। इनफैक्ट ये बॉडी के अंदर भी अगर इसको आप इंटेक करते हो तो अंदर जाके भी एज अ क्लिनजर काम करता है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होती है लिग्निन और दूसरी होती है सेपनिन। लिग्निन का क्या मतलब है? लिग्निन का मतलब यह है कि ये आपकी स्किन के अंदर तक जाती है, थर्ड लेयर तक कह सकता हूँ मैं कि थर्ड लेयर तक जाती है आपके। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे अगर इसको रखेंगे ना तो ये डीपली अंदर तक जाएगी, यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये डीपली अंदर तक जाएगी, इवन थर्ड लेयर तक जाती है स्किन की। तो इसका मतलब, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये डीपली जाके, अंदर तक जाके आपकी स्किन को क्लीन करती है। जैसे बहुत सारे जो स्किन केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो है ना उनको, उसको लोग यूज़ करते हैं अपनी स्किन को साफ करने के लिए, तो वो सिर्फ ऊपर वाली फर्स्ट जो स्किन की स्टेज है ना वहीं पे रहती है वो, लेकिन ये अंदर तक चली जाती है। इसका कारण ये अंदर तक जाके आपकी स्किन को जो है वो साफ करती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ सेपोनिन। देखो सोप्स यूज़ करते हैं लोग, ये सोप आपको पता है कि सोप जो है अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आप जो है वो बेटर वे से अपने आप को साफ कर सकते हो, है ना। लेकिन क्या है कि मार्केट के जो सोप्स हैं ऑब्वियसली वो नेचुरल नहीं है। एलोवेरा के अंदर ही आप कह सकते हो एक सोपी पदार्थ होता है। जैसे जब जो पत्ता है ना इसका, वो पत्ता पत्ते के अंदर जब सबसे पहली जो लेयर आती है ना, वो समझ लो वो जो चीज़ है वो सेपनिन्स है। वो मतलब इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल सोप की तरह काम करती है और ये नेचुरल, इसीलिए नेचुरल क्लिनजर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हो गया, एक तो नेचुरल सोप की तरह आपकी स्किन को साफ कर रही है, दूसरा अंदर तक पेनिट्रेट होके ये उसको साफ कर रही है। तो इसके कारण इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बातें हैं इसकी दूसरे स्टेज के ऊपर। दूसरी स्टेज जैसे मैंने आपको बताया कि नॉरिशमेंट स्टेज, अब नाम से ही आप समझ सकते हो नॉरिशमेंट स्टेज। जैसे कि एलोवेरा के अंदर आप मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट न्यूट्रिशंस होते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशंस, ऑलमोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशंस जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं। इसके और भी बेनिफिट्स, डिटेल बेनिफिट्स के ऊपर भी मेरा ऑलरेडी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि नॉरिशमेंट आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशंस इसमें आपको मिल जाते हैं। यही कारण है कि क्योंकि ऑब्वियसली आपके न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पूरे मिल रहे हैं तो आप हेल्दी रहोगे यार, जो कि आजकल नॉर्मल डाइट में नहीं मिल पाते हैं ना, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है सारा कुछ। और वैसे भी हम लोग बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, तो जिसके कारण बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती आपको, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अगर आप एलोवेरा पी रहे हो तो आप एटलीस्ट इस चीज़ की आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ मैं एक बहुत अच्छी चीज़ ले रहा हूँ ऐसे ही डेली, जिसके साथ मेरी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका सेकेंड स्टेज के अंदर की नॉरिशमेंट स्टेज। इसमें आपको विटामिन्स भी मिल जाते हैं, इसमें आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं और इसमें आपको अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं। ये आपकी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए होते हैं आपकी एक अच्छी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो अब आते हैं इसकी थर्ड स्टेज यानी कि थेरापेटिक स्टेज के ऊपर। थेरापेटिक आप नाम से समझ सकते हो कि एक तरह की थेरेपी आपकी आपके यू नो बॉडी को मिल रही है। क्यों ये आपको थेरापेटिक स्टेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है? क्योंकि इसमें आपको एंजाइम्स भी मिल रहे हैं और इसमें आपको एंथ्राकोनियंस भी मिल रही हैं। इसलिए कहते हैं कि एलोवेरा सबसे बेस्ट जो आप समझ सकते हो ह्यूमन बॉडी के लिए, जो नेचुरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाला प्लांट आपको ये आपको यूज़ करने को मिलता है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एलोवेरा में भी 400 टाइप्स की वैराइटीज़ हैं। 400 जैसे आप कह सकते हो कि आम की बहुत सारी वैराइटीज़ होती है ना, तो इसी टाइप से एलोवेरा की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट 400 के करीब की वैराइटीज़ होती हैं, है ना। तो ये जो आपको मतलब जो बेस्ट एलोवेरा इसमें माना जाता है ना, वो माना जाता है जो बेस्ट प्लांट माना जाता है, जो सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है, वो है बारबाडेंसिस मिलर। ये उसमें सारे जो मैंने आपको बताए ये बेनिफिट सारे मिलते हैं। मैं हर प्लांट के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जो बारबाडेंसिस मिलर है, रिसर्च कहते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है।
तो ये था कि कैसे एलोवेरा आपके अंदर जाके काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करके जाना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम।